हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल कुकिंग साक्षी में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मेथी की सूखी सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम समय में और बहुत कम सामान में बनके तैयार भी होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू मेथी की सब्जी बनाना। अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। आलू मेथी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तेल डाला है 3 टेबल स्पून, और तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम हींग डाल देंगे और जीरा, जीरा 1 छोटा चम्मच है और हींग 1/2 छोटा चम्मच है, और ये लाल मिर्च है, 3 लाल मिर्च है, इसको मैंने तोड़ लिया है। अब इनको हम 1 सेकेंड के लिए सॉटे करेंगे, 10 सेकेंड के लिए। तो देखिए जीरे का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आलू मैंने 250 ग्राम लिया था और मेथी की क्वांटिटी उतनी ही है। आलू और मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो ये 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, और हल्दी, हल्दी 1 छोटा चम्मच है, और नमक, नमक इसमें मैं टेस्ट के अनुसार डालूंगी, तो इसमें मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी। अब इसको हम ढक के पकाएंगे, तो फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी और ढक देंगे और 2-3 मिनट बाद चेक करेंगे। फिर दो से तीन मिनट हो गया, आप चेक कर लेते हैं सब्जी को और इसको चला लेते हैं ढक्कन से। फ्रेंड्स, ऐसे ही दो तीन मिनट पे चलाते हुए इसको पकाना है लो फ्लेम पे। तो सब्जी अभी हमारी हुई नहीं है, तो इसको फिर से ढक के पकाएंगे और दो तीन मिनट पे इसको चेक करते रहेंगे। दो मिनट हो गया फ्रेंड्स, एक बार फिर से सब्जी को देख लेते हैं। देखिए एकदम अच्छे से सब्जी हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसकी प्लेटिंग कर लूंगी। अब तो लीजिए, तैयार है झटपट से आलू मेथी की सब्जी। आप इसे पूड़ी, पराठा, चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करिएगा। मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, और रेसिपी पसंद आती है तो हमेशा की तरह लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।